सागर में बीती रात हुए बवाल के बाद रविवार दोपहर में हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में लोग शहर के कबूला पुल चौराहे पर स्थित शनि मंदिर में इकट्ठा हुए, फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। ये लोग पथराव और मारपीट करने वाले आरोपियों के मकान तोड़ने और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज, वार्ड सागर। बता दें कि सदर इलाके में शनिवार देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि धार्मिक गाना बजाने पर ई रिक्शा चालक और उसके साथी पर एक समुदाय की भीड़ ने हमला बोल दिया। बीच बचाव करने पहुंची भीड़ में से एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। आरोप है कि इस दौरान पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। रात में ही पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया भी कैंट थाने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के साथ लंबी चर्चा की थी। इसमें उन्होंने पत्थर फेंकने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने, जिन बिल्डिंगों से पत्थर फेंके गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने, चौराहे पर जमावड़ा लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने, सदर और कैंट क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। दोपहर में 3 बजे तक का समय दिया था। वहीं दोपहर से ही यहां पर बड़ी संख्या में लोग शनि मंदिर पहुंच गए थे। पुलिस भी तैनात है। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज, वार्ड सागर। हमारा नंबर है 7898922699 9109200503।